काटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे, भूल ही भूल जिसने है बाटे, जिसने चुन लिए सारे कांटे, राज छोड़ दिया, राज छोड़ दिया, राज छोड़ कर, राज छोड़ बनवास जिसने झेला, सौतेला, सीरियस महेश, मुझे स्पॉन्सरशिप चाहिए और वो मैं हासिल करके रहूंगा। यू बेटर बी श्योर अबाउट दैट। शायरी प्यार की तरह होती है शकुंतला, जो की नहीं जाती हो जाती है, और जब तुम्हें अपने शेर के लिए जबरदस्ती लव्स ढूंढना पड़ जाए तो उस शेर का कोई मूल नहीं होता। बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। वैसे मुझे लगता है कि राय साहब यदि युगांग बाबू को भारत नहीं आने देना चाहते थे तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण तो अवश्य रहा होगा। कदाचित ये विक्रमार्य वही तो नहीं जिन्हें इस वर्ष का बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया। हाँ, वही विक्रम। कोई विशेष बात है? यूं ही समझ लीजिए, तो बहुत सरल काम है। यदि तुम विक्रम आर्य के बारे में जल्दी से जल्दी सब कुछ जानना चाहते हो तो ठीक है, तुम अस्थि विसर्जन करके आओ, मैं तब तक विक्रम आर्य के बारे में पूरी जानकारी निकाल के रखूंगा। इट्स अ गुड आइडिया पंडित जी। मैं ऐसा करता हूँ कि बाबा के अस्थि विसर्जन के लिए मैं अकेला चला जाता हूँ, आप यहीं रहिए। बस इतना याद रखिए, विक्रम आर्य के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। एवरीथिंग अबाउट विक्रम आर्य। राह में उनसे मुलाकात हो गई, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। स्नेह, तू यहाँ पर क्या कर रही है? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ राह में किससे मुलाकात हो गई? कौन है जिसकी धुन में इतने खोए खोए हो? अरे पागल, किससे मुलाकात होगी मेरी? ऑफ कोर्स कोई लड़की होगी। देखो भैया, किसी लड़के से मिलने के बाद ना तो कोई इतना मुस्कुराता है, ना गुनगुनाता है, और ना इतना परफ्यूम लगाता है। अच्छा, तो मैं परफ्यूम भी नहीं लगा सकता है? तुझे मालूम है विशेष मुझसे भी ज्यादा परफ्यूम लगा के जाता है। हाँ, तो उसकी रोज एक दर्जन लड़कियों के साथ मुलाकात भी तो होती है। पर भैया, आपको तो कभी ऐसे गुनगुनाते नहीं देखा। अच्छा बाबा, गलती हो गई मुझसे, अब कभी नहीं गुनगुनाऊंगा। ठीक, अब तू जा, मैं कॉलेज ले लेट हो रहा हूँ। और भैया, अगर कभी गुनगुनाना भी ना तो प्लीज ये गाना मत गुनगुनाना। क्यों, क्या खराबी इसमें? अरे ये भी कोई गाना है, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। पता है कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे कोई बिना लाइसेंस की गाड़ी वाला ना ट्रैफिक कांस्टेबल के लिए गा रहा हूँ। अच्छा, गाने के लिए और भी बहुत से गाने हैं। जैसे? जैसे बहनाओ बहनाओ तेरी डोली में सजाऊंगा,
मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। Just for a song. स्नेहा, मुझे से भी अच्छा गाना आता है, मालूम है तुझे? वो गाना है ना, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। No, don't even think that. Come on, Sneha, it's just for a song. भैया। भैया। क्या वो बहुत खूबसूरत है? अच्छा। कौन? कौन? ठीक है, नहीं बताना है तो मत बताओ, लेकिन मैं पता कर लूंगी। हाँ हाँ, तुझे जो पता करना है ना बाबा, पता कर लेना। अब प्लीज तू यहाँ से जा, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ, ठीक है? गो। कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ? मेरा नाम भी स्नेहा है, पता करके दम लूंगी। बच गए आज बाल बल, नहीं तो पकड़े जाते। क्यों बांके, कॉलेज जाने की तैयारी हो रही है चक्कर चला के? प्रणाम। जीते रहो बेटा, जीते रहो। इसे कहते हैं संस्कार। अवश्य ही मेरी बहना के पुण्य कर्मों का फल है जो उसे तुम जैसा बेटा मिला। मामा जी आप भी बस। नहीं बेटा, तुम तो अपने मामा को जानती हो, मेरा तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है चक्कर चला के। झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता चक्कर चला के। मैं तो हमेशा तुम्हारी तारीफ किया करता हूँ पूरे मोहल्ले में, कहता हूँ कि मेरे भांजे जैसा भांजा तो शायद ही इस दुनिया में कहीं हो, ना कोई ऐ ना कोई शौक, बस केवल पढ़ाई लिखाई है, कोई चक्कर नहीं है चक्कर चला के। मामा जी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, सभी लोग तो ऐसा करते हैं, सभी लोग तो पढ़ाई लिखाई करते हैं। सब कहाँ करते हैं भांजे, अब अपने छोटे को ही ले लो, कितना दूर भागता है पढ़ाई से। लेकिन मामा जी मैं एक बात कहूंगा, उसका दिमाग मुझसे भी ज्यादा तेज है, वो इतना कम पढ़ के भी मुझसे अच्छे मार्क्स लेके आता है। सब भाग्य की बात है भांजे, या फिर वो नकल करके पास हो जाता हो चक्कर चला के, और उस पे सोने पे सुहागा ये भांजे कि तुम्हें छोड़कर जीजा जी ने उसे अपने सर पर बिठा रखा है। मैं सच कहता हूं भांजी, एक ना एक दिन ये लड़का हमारे हाथ से निकल जाएगा चक्कर चला के। नहीं मामा जी, मैं उसे जानता हूं, वो बहुत समझदार है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे पापा के दिल को चोट पहुंचे। भांजी ये सब तुम्हारा प्यार है भांजी, और तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो कि झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता चक्कर चला के। वो तो है। अच्छा मामा जी अब मैं चलूं, मुझे कॉलेज जाना है। हाँ हाँ बेटा अवश्य जाओ, लेकिन उससे पहले अपने एक सेकंड के लिए चक्षु बंद करो। चक्षु? मेरा मतलब है आंखें। ओके।
तुम्हारा मामा तुम्हारे लिए क्या लेकर आया है? गेस करो। अरे वाह, गिफ्ट। वाओ। पेन। अब तुम जैसे पढ़ाकू लड़के के लिए इससे अच्छा गिफ्ट और क्या लाता? लेकिन मामा जी, इसकी क्या जरूरत थी? ये सब तो मेरा प्यार है भांजी। अब तुम्हें तो मालूम ही है मेरा स्वभाव कैसा है, चक्कर चला के। थैंक यू मामा जी। और हाँ भांजी, इस गिफ्ट के बारे में किसी और को मत बताना, और खास करके उस विशेष को, क्योंकि ये गिफ्ट केवल और केवल मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, चक्कर चला के। लेकिन अगर आप उसके लिए भी गिफ्ट ले आते तो उसे भी अच्छा लगता मामा जी। हाँ ले तो आता, पर तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में जगह है ना, वो कोई और नहीं ले सकता। मेरे दिल ने कहा कि ये गिफ्ट मैं तुम्हारे लिए ले चलूं, तो मैं तुम्हारे लिए ले आया। अब झूठ मूठ किसी को खुश करना और उसे तोहफा देना, भाई राम 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 राम, राम, राम। भाई मुझसे तो नहीं हो सकता। और फिर तुम्हें तो मालूम ही है मेरा स्वभाव, चक्कर चला के। अच्छा मामा जी, अब मैं चलता हूँ। थैंक यू। भाई अपनी जगह बनाने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है। कर चला के ए विशेष। यस बिग ब्रदर। ये ले। वाओ, बहुत ही खूबसूरत पहने हैं। पसंद है, रख ले। मैं पेन का क्या करूं? पेन का कोई क्या करता है? अरे इडियट, पेन लिखने के लिए होता है, वही तू कर ले। लिखने विखने का काम मेरा नहीं है बिग ब्रदर, ये पेन आप ही रखिए, आप ही के काम आएगा। देख मेरे पास पहले ही बहुत सारे पेन हैं, एक और लेके मैं क्या करूंगा? अगर बहुत सारे पेन थे तो फिर एक और खरीदा क्यों? ये मैंने खरीदा थोड़ी है, ये तो मुझे किसी ने गिफ्ट किया है। यही समझ ले। किसने? इससे क्या फर्क पड़ता है? कम ऑन बिग ब्रदर, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप मुझसे छुपा रहे। ठीक है बता देता हूँ, लेकिन तू प्रॉमिस कर तू कोई इसका इशू खड़ा नहीं करेगा। इस मामूली से पेन के लिए मैं ओवर रिएक्ट क्यों करूंगा? ओके, ये पेन मामा ने मुझे दिया है। एक्चुअली वो तेरे लिए भी ऐसा पेन लेना चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें ऐसा दूसरा पेन मिला नहीं, इसलिए वो। हो तो ये बात है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मामा ने सिर्फ आपके लिए गिफ्ट लाया? मतलब ये कि मामा का सबसे लाडला भांजा मैं हूं, और वो मेरे लिए गिफ्ट ना लाया, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। ये देखिए, ये घड़ी मुझे मामा ने गिफ्ट दी है। ये घड़ी? ये तो बहुत कीमती घड़ी है। ऑफ कोर्स, विशेष के लिए जो गिफ्ट आता है वो भी विशेष ही होता है। लेकिन मामा ने मुझे ये क्यों कहा कि वो तेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए? क्या बात है शुभम? कुछ नहीं मॉम। मॉम मैं बताता हूँ क्या बात है। भाई को मुझसे जलन हो रही है, उन्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि मामा ने मेरे लिए इतना कीमती गिफ्ट लाया, ये घड़ी, और इनके लिए ये मामूली सी पेन। मुझसे जलन हो रही है, उन्हें इस बात का बुरा लग रहा है कि मामा ने मेरे लिए इतना कीमती गिफ्ट लाया, ये घड़ी, और इनके लिए ये मामूली सी पेन, है ना भाई? वो बात नहीं है मॉम, गिफ्ट कीमती हो या सस्ता इसे कोई फर्क नहीं। लेकिन मामा ने उसे झूठ क्यों कहा कि वो विशेष के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया? नारायण ने तुमसे ये कहा था कि वो सिर्फ तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया है? हाँ, लेकिन मामा को मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर वो मुझे ये बता देते कि वो विशेष के लिए कीमती गिफ्ट लेके आए हैं,
किया मैं उनसे शिकायत करता तो फिर ये भांजी, वो तो मैंने मजाक किया था भांजे चक्कर चला के। नारायण। हाँ जी जी, वो तो मैं केवल देख रहा था कि ये दोनों बच्चे आज भी एक दूसरे का उतना ही ध्यान रखते हैं या फिर। याद है जी, जब बचपन में मैं इन दोनों में से किसी एक को टॉफी देता था तो वो दूसरे के लिए कैसा जिद करके टॉफी लेके जाता था। ये दोनों आज भी वैसे के वैसे ही हैं, जरा नहीं बदले चक्कर चला के। बदले तो तुम भी नहीं हो नारायण, लेकिन अच्छा होता अगर तुम दोनों के लिए एक जैसा ही गिफ्ट लाते। अब बात करती हैं जीजी, अब ये दोनों बड़े हो गए हैं, दोनों के शौक अलग, दोनों की पसंद अलग, फिर गिफ्ट एक जैसा कैसे हो सकता है। अब इनकी पसंद के तोहफे लाऊंगा तो कीमत पे थोड़ा बहुत तो फर्क आ ही जाएगा चक्कर चला के। विशेष घड़ी, कीमत में फर्क हो तो कोई बात नहीं, नियत में फर्क नहीं होना चाहिए। आइंदा याद रखना, आइंदा इनके लिए तोहफे लाओ तो याद रखना, मैं नहीं चाहती तोहफों की कीमत का फर्क मेरे बेटों के दिलों में कोई फर्क पैदा करे। शुभम, विशेष, अब तो मैं आ ही गया हूँ बहना, देखती जाओ कि क्या क्या तुझे देता हूँ चक्कर चला। बिजनेसमैन ऑफ द ईयर यहां बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। कौन से इम्तिहान की तैयारी हो रही है भाई? जिंदगी में इम्तिहान तो होते ही रहते हैं, और सच बात तो यह है कि जिंदगी खुद एक इम्तिहान है। जरूर होगी, लेकिन फिलोसोफर साहब यहां मैं आपकी फिलोसफी सुनने के लिए नहीं आया हूं। आई नो, तू सिर्फ एक शतरंज की बाजी खेलने आया, और आज कोई बाजी नहीं होगी। क्या 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 कह रहा है? दिन दहाड़े ब्रॉड डेलाइट में मेरी इंसल्ट कर रहा है। क्या मैं यहां सिर्फ शतरंज खेलने आता हूं? क्या मेरे घर पे शतरंज नहीं है? अगर एक सीटी बजाओ ना तो 10 खेलने वाले भी आ जाएंगे। ओहो, मैं नहीं जानता था कि तुम आजकल डॉगीज के साथ चेस की प्रैक्टिस कर रहे हो। मैं तो समझता था कि तुम गधों के साथ खेलते हो। हाँ, एक गधे के साथ भी खेलता हूँ कभी कभी। And I'm sure वो गधा भी तुमको हरा देता होगा। यार बस हो गया, अब तुम्हारे एक्सपर्ट कमेंट्स खत्म हुए कि नहीं? विशेष टिप्पणी खत्म हुई? By the way, मैं यहाँ शतरंज की बाजी खेलने नहीं आया था, कुछ बताने आया हूँ। अच्छा, इतना ठंडा? अच्छा, अरे यार मैंने ऑफिस फोन किया तो पता चला कि तू यहाँ पर है, तो मैंने सोचा कि घर पर चलता हूँ, एक आध शतरंज की बाजी हो जाएगी। Come on, this is too much and three much, यार। Are you serious to hear something vital and important? कुछ काम की बात करूं? सुनोगे कुछ काम की बात? Okay.
यू सीरियस टू हियर समथिंग वाइटल एंड इंपॉर्टेंट? कुछ काम की बात करूं? सुनोगे कुछ काम की बात? ओके. वो मैंने ऑल इंडिया स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव है ना मिस्टर रायचूड़ा, उससे बात की. एंड ही इज रियली इंप्रेस्ड विद द आइडिया. बल्कि उसका ये कहना था कि बहुत दिनों से वो ठंडाई जैसी किसी हेल्दी ड्रिंक को स्पोर्ट्स की ऑफिशियल ड्रिंक अनाउंस करना चाहता है. ओ रियली? दैट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन. एवरीथिंग इज पॉजिटिव फॉर ऑप्टिमिस्ट पीपल. मैंने उससे क्रिकेट की स्पॉन्सरशिप की बात की. उसका ख्याल है कि वो स्पॉन्सरशिप हासिल करना हमारे लिए मुश्किल होगा. बिकॉज अगर ऑक्शन बिड भी हुआ तो चिल्ली कोला वाला चौधरी है ना, वो बाजी मार लेगा क्योंकि उसकी अंदरूनी कुछ सेटिंग्स हैं. हाँ ऐसा तो होता ही है. तो अब क्या किया जाए? जीजा जी, मैं कुछ सुझाव दूं चक्कर चला के? आप? हाँ, वैसे तो जीजा जी ये आपका बिजनेस का मामला है और मुझे इस मामले में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन आपको परेशान देखकर मुझसे रहा नहीं गया. वैसे आप तो जानते ही हैं जीजा जी, मेरा तो स्वभाव ही कुछ कट क्रैक नारायण. कम टू द पॉइंट. मैं ये कह रहा था जीजा जी कि आपके विरोधियों ने यदि कोई झोल कर रखा है चक्कर चला के, तो झोल तो आप भी कर सकते हैं. आप जिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की बात कर रहे हैं वहाँ पे मेरा भी जैक है. अगर आप चाहें तो मैं अंदर ही अंदर पूरी सेटिंग करवा दूंगा चक्कर चला के. बस थोड़ी सी खिलाई पिलाई होगी और कुछ नहीं. रिश्वत? हा? ना ना, रिश्वत नहीं जीजा जी, दलाली. दलाली कहते हैं से चक्कर चला के काम करवाने की कीमत. विक्रम, आई थिंक इसमें इसका कोई कसूर नहीं. आदमी की जैसे सोच होती है, जैसी जहनीयत होती है, वैसे सुझाव वो देता है ना. देखिए नारायण, बेसाखियों का सहारा अपाहिज और मोहताज लोग लेते हैं और गलत रास्तों पर चलकर आगे बढ़ने की कोशिश वो लोग करते हैं जिन्हें अपने कामयाबी पर शक होता है. बिजनेस में अच्छा बुरा क्या होता है? बिजनेस तो बस बिजनेस होता है चक्कर चला के. अब आजकल तो सभी यही करते हैं और जो सब करते हैं उसी को तो दस्तूर कहते हैं चक्कर चला के. दस्तूर बदल जाते हैं मगर उसूल नहीं बदला करते नारायण. और विक्रम आर्य की जिंदगी का उसूल है मेहनत और ईमानदारी, और अगर हमें आगे नाकामी मिलती है तो हमें वो कबूल है. अगर मैं अपने उसूल नहीं बदल सकता. Thank you.